Good morning dear students as you know that we are doing the exercises of chapter number 3 safety and first aid yesterday we have completed exercise d today i am going to explain you the answers of exercise e long answer questions so the first question is write any four ways in which uh, fire hazards can be prevented so the answer is the four ways in which fire hazards can be prevented are first is children should handle fire under under adult supervision जो भी बच्चे हैं उनको हमेशा अगर वो fire uh, handle कर रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं fire का तो हमेशा बड़ों के साथ करना चाहिए नेवर प्ले विथ मैथस्टिक्स और लाइटेड कैंडल जली हुई मैथस्टिक्स और लाइटेड कैंडल के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए डू नाट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल हैंडलिंग फायर एज दे कैच फायर ईजिली लूज क्लोथ्स और सिंथेटिक क्लोथ्स फायर का काम करते समय नहीं पहनने चाहिए केस ऑफ गैस लीक ऑल डोर एंड विंडोज़ मस्ट बी ओपन इमीजिएटली अगर गैस की स्मेल आती है किचन में कई बार सिलेंडर में से या जो गैस और सिलेंडर के बीच पाइप कनेक्टेड होता है उसमें लीकेज की वजह से गैस निकलने लग जाती है तो अगर आपको गैस की स्मेल आ रही है तो डोर्स और विंडोज़ को इमीजिएटली ओपन कर देना चाहिए तो ये फोर वेज हैं जिनसे फायर हैज़ाज को प्रिवेंट किया जा सकता है सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेज टू पुट आउट फायर ऑफ डिफरेंट काइंड डिफरेंट काइंड की फायर जो लगती है उसको पुट आउट द फायर मीन्स उसको बुझाने के लिए फायर को आप क्या वेज अपना सकते हैं सो द फर्स्ट इज़ वैकेट द बिल्डिंग एंड डू नॉट यूज़ द लिफ्ट इन केस ऑफ फायर बिल्डिंग को वैकेट कर दीजिए मीन्स खाली कर दीजिए और अगर फायर लगी है फायर के, के केस में लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ़ अ मेजर फायर कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन मेजर फायर के केस में नियरेस्ट फायर स्टेशन को कॉल करना चाहिए थर्ड इज यूज सैंड मड और फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टेड ऑफ वाटर ऑन फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और ड्यू टू पेट्रोल ना नॉर्मली जब भी आग लगती है तो हम उसको पानी से बुझाते हैं वाटर आपने देखा है वाटर डालते हैं फायर के ऊपर बट अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में आग लग गई है या जो फायर लगी है वो किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से है या पेट्रोल की वजह से है देन We should not use water in case of that fire. hame kya use karna hai We should use sand, mud or fire extinguisher. Fourth is if a person's clothes catch fire, roll him or her on the floor. agar कपड़ों में आग लग जाती है, तो वो उस पर्सन को फ्लोर पे रोल करना चाहिए. So these are the ways by which the fire can be put out of different kinds. Now the third question. क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ वट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइनर एंड सीवियर बर्न्स माइनर और सीवियर बर्न्स के केस में क्या फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए सो फर्स्ट इन केस ऑफ माइनर बर्न्स जब आपको छोटा छोटा मोटा अगर आप जल गए हैं थोड़ी सी ही आपको जलन महसूस हो रही है ज़्यादा कोई सीवियर केस नहीं है तो उस केस में क्या करना है कीप द बर्नट एरिया फॉर सम टाइम अंडर कूल रनिंग टैप वाटर बर्न एरिया जहाँ पर भी आपका जला हुआ एरिया है उसको कूल रनिंग टैप वाटर के नीचे रखना है पानी खोलना है और ठंडे ठंडे पानी के नीचे उस एरिया को रखना है सेकेंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट अफेक्टेड पार्ट जो है जो जल गया है वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कीजिए ताकि जो आपकी इंजुरी है वो और ज़्यादा ना बढ़े थर्ड इफ़ एनी ब्लिस्टर इज़ फॉर्म्ड, डू नॉट प्रिक इट आपने देखा होगा जहाँ भी स्किन जल जाती है तो वहाँ पर जो हमारी स्किन है वो थोड़ी स्वेल हो जाती है और उसमें फ्लूइड फिल होता है वाटर, वाटरी सब्सटेंस फिल होता है जैसे हम ब्लिस्टर कहते हैं उसे हमें प्रिक नहीं करना चाहिए प्रिक मतलब किसी भी चीज़ से उसको फोड़ना नहीं चाहिए नाओ इन केस ऑफ सीवियर बर्नस अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो गई है उस केस में क्या करना चाहिए डू नॉट ट्राई टू रिमूव एनी पीस ऑफ क्लोथ स्टक टू द बर्न एरिया बर्न एरिया पर अगर कोई क्लॉथ का पीस टक हो गया है तो उसको नहीं रिमूव करना चाहिए सेकेंडज कॉल द डॉक्टर इमीजिएटली फटाफट से मेडिकल अटेंशन सीख करनी चाहिए या तो डॉक्टर को कॉल कीजिए या फिर जो भी आपका पेशेंट है उसको इमीजिएटली हॉस्पिटल लेकर जाइए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज वॉट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू अ पर्सन इन केस ऑफ स्नैक बाइट अगर स्नेक बाइट होती है तो उस केस में क्या फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए इन केस ऑफ अ स्नैक बाइट काम डाउन द पर्सन एंड फॉलो द बिलो मैंशन स्टेप्स अगर स्नैक बाइट होती है तो सबसे पहले तो पेशेंट जो है पर्सन है उसको काम डाउन बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए उसको काम डाउन कूल होना चाहिए और जो स्टेप्स नीचे मैंशन है उनको फॉलो करना चाहिए फर्स्ट है टाई अ टाइट बैंडेज अबव द व सो दैट द स्प्रेड ऑफ पॉइजन इन द बॉडी स्लोज डाउन जहाँ भी स्नैक ने बाइट किया है उस एरिया को बहुत टाइट किसी टाइट बैंडेज से बांध लीजिए टाइट बांध लीजिए बैंडेज से ताकि जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में जो स्प्रेड होने लग जाता है ना तो उस वो प्रोसेस स्लो हो जाए सेकेंड इज पोजिशन द विक्टिम इन सच अ वे दैट द बिटन एरिया लाइज बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट मीन्स विक म को इस तरह पोजीशन कीजिए उसे इस तरह बिठाइए या इस तरह उसको लेटाइए कि जिस एरिया में स्नेक ने बाइट किया है वो हार्ट के लेवल के नीचे रहे ओके थर्ड पॉइंट इज डू नॉट अप्लाई आइज ऑन द वड क्लीन इड विद वाटर एंड कवर इड विद अ क्लीन ड्राई गॉज आइज़ हमें वूंद पर स्नैक बाइट वाली वूंद पर नहीं अप्लाई करनी है उसको वॉटर से क्लीन करना है और क्लीन ड्राई गोज से उसको कवर करना है लास्ट पॉइंट इज टेक द विक्टम टू अ नियर बाय हॉस्पिटल विक्टिम को फटाफट से नियर बाय हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जा ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो आई होप द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू प्लीज डू दीज आंसर्स इन योर कॉपी वेरी नीटली सो हैव अइस डे थैंक यू